दोस्तों भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच एशिया कप का इन दोनों ही टीमों का आखिरी मैच खेला जा चुका है, जहां इस मैच में विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए आखिरकार अपना शतक पूरा कर लिया है। जहां दोस्तों इस मैच में रोहित शर्मा नहीं खेल रहे थे और उनकी गैर मौजूदगी में केएल राहुल कप्तानी कर रहे थे। जहां इस मैच में पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था और जब इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से केएल राहुल और विराट कोहली ओपनिंग बल्लेबाजी करने उतरे तो इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम की शुरुआत काफी शानदार अंदाज में करवाई थी, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले खत्म होने तक भारतीय टीम का स्कोर 52 रन तक पहुंचा दिया था और भारतीय टीम का एक भी विकेट नहीं गिरा था। जहां इसके बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार बैटिंग करते हुए पहले विकेट के लिए 119 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप कर ली थी। जहां पहले विराट कोहली ने केवल 32 गेंदों का सामना करने के बाद पहले अपने 50 रन पूरे करे, तो वहीं इसके बाद केएल राहुल ने भी 36 गेंदों का सामना करने के बाद अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। जहां दोनों ही बल्लेबाज काफी अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी 119 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को पहला झटका फरीन अहमद ने देकर कप्तान राहुल को आउट कर दिया और केएल राहुल 41 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट हुए थे। तो वहीं इसके बाद बैटिंग करने सूर्य कुमार यादव उतरे थे और सूर्य कुमार ने पहली गेंद पर ही छक्का जड़ दिया था, लेकिन अगली ही गेंद पर फरीन अहमद ने उन्हें क्लीन बोल्ड मार दिया और सूर्य कुमार 6 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने ऋषभ पंत उतरे थे और एक तरफ विराट कोहली काफी तगड़ी बैटिंग कर रहे थे और इस वजह से ऋषभ पंत काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां इसके बाद विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए केवल 53 गेंदों का सामना करने के बाद अपना शतक पूरा कर लिया था और ये विराट कोहली का T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला शतक है। जहां इसके बाद विराट कोहली ने अपना शतक पूरा करते ही इसके बाद और भी तेज बल्लेबाजी करने लग गए थे और विराट कोहली ने इसके बाद नॉट आउट रहते हुए भारतीय टीम का स्कोर पूरे 20 ओवर खत्म होने के बाद 212 रन तक पहुंचा दिया था केवल 2 विकेट के नुकसान पर और विराट कोहली 61 गेंदों में 12 चौके और 6 छक्के की मदद से 122 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे और विराट कोहली की स्ट्राइक रेट 200 की थी, यानी हर गेंद पर विराट कोहली ने आज के मैच में 2 रन बनाया था। तो वहीं ऋषभ पंत भी 16 गेंदों में 20 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो अफगानिस्तान की तरफ से फरीन अहमद को 2 विकेट हाथ लगी थी और अब अफगानिस्तान की टीम को ये मैच जीतने के लिए 213 रन बनाने थे। और जब इसके बाद अफगानिस्तान की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत इस मैच में बेहद ही खराब रही, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार ने पहले ही ओवर में हजरतुल्ला जजाई और गुलबाज को आउट कर दिया था और ये दोनों ही बल्लेबाज अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। और जब इसके बाद भुवनेश्वर कुमार अपना दूसरा ओवर डालने आए तो उन्होंने उस ओवर में भी अफगानिस्तान को 2 झटके देकर करीम जनत और नाजीबुल्ला जर्दन को आउट कर दिया था और इसके बाद 20 रन के स्कोर पर अर्शदीप सिंह ने मोहम्मद नबी को आउट कर दिया और नबी 7 रन बनाकर आउट हुए थे। और इसके बाद अगले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने अजमुद्दुल्ला को आउट कर दिया और इसी के साथ भुवनेश्वर कुमार ने अपने 5 विकेट भी पूरे कर लिए थे और उन्होंने अपने 4 ओवर ही पूरे कर लिए थे और उन्होंने मात्र 4 रन दिए थे। जहां इसके बाद राशिद खान संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनको भी दीपक हुड्डा ने आउट कर दिया और राशिद खान 15 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं इसके बाद 87 रन के स्कोर पर अश्विन ने मुजीबुर रहमान को क्लीन बोल्ड मार दिया और मुजीब 18 रन बनाकर आउट हुए थे। और इसके बाद अफगानिस्तान को आखिरी ओवर में ये मैच जीतने के लिए 119 रन बनाने थे और आखिरी ओवर दिनेश कार्तिक डालने आए थे। जहां इसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से इब्राहिम जाडन ने अपने 50 रन पूरे करे थे, लेकिन अफगानिस्तान की टीम पूरे 20 ओवर खेलने के बाद 111 रन बना पाई 8 विकेट के नुकसान पर और भारतीय टीम ये मैच 101 रनों के बड़े अंतर से जीत गई है।